नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो महामुकाबला होने वाला है 23 तारीख को T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में। इसी मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक्स रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर नरेंद्र सरदार जी। नरेंद्र सर बीसीसीआई में काफी साल तक रहे और नरेंद्र सर एक रणजी क्रिकेटर भी रह चुके हैं। काउंटी क्रिकेट काफी साल तक उन्होंने इंग्लैंड में खेला। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। थैंक यू वेरी मच आकाश। सर 23 तारीख को महामुकाबला होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का। उससे पहले 5 वार्म अप मैच भारत को खेलना है, जिसमें 2 भारत खेल चुका है, एक में जीत मिली है, एक में हार मिली है। अगला मुकाबला 17 तारीख को है न्यूजीलैंड से। सर कैसे देखते हैं आप जो ये वार्म अप मैच होने वाला है इंडिया का? देखिए, ऐसा है कि ये जो वार्म अप मैच होते हैं, ये टीम को कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ने के लिए होते हैं, कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए होते हैं, और इसमें हार जीत का मसला इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। उसमें ये होता है कि बॉलर ने बॉल कैसे डाली, बैट्समैन ने किस तरह से वहां अप्रोच रखी है, बॉल पे कैसे आ रहा है, उस पेस और बाउंस को एडजस्ट करने के लिए होता है। अगर आप 83 के वर्ल्ड कप को देखें तो इंडिया छोटी छोटी काउंटीज से भी हारा था, लेकिन टीम बहुत यूनाइटेड थी। कपिल पाजी ने सबको साथ में रखा था, जोड़ के रखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पे ज्यादा मुझे विचार हम उनको सोचना नहीं चाहिए कि टीम हारी है, कैसे मैनेजमेंट का ये काम है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, लोग लाइन में आ रहे हैं, खेल रहे हैं, और जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप पास में आएगा, सारे खिलाड़ी हमारे हिंदुस्तान के बिल्कुल लय में आ जाएंगे। एक अच्छा प्रोसेस है, अच्छे मैचेस मिलते हैं वहां पे जाके, थोड़ी तैयारी होती है, और हो सकता है कि जो टीमें हैं वो वहां पे थोड़े दिनों से ज्यादा समय से थी, वहां वो जीत गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये एडॉप्टेशन की बात होती है और हमारे खिलाड़ी सक्षम हैं परफॉर्म करने के लिए, सर जीतने के लिए। टीम मैनेजमेंट ने अपना 15 चुन लिया है। हाँ बॉलर्स में थोड़ा दिक्कत था कि हाँ मतलब बुमराह मतलब इंजर्ड हो गए थे, तो उनके ऊपर वो विराम लगा था बॉलर्स के ऊपर कि उनके जगह कौन आएगा। काफी नाम आ रहे थे कि शार्दुल आएंगे, सिराज आएंगे, लेकिन टीम में मौका मिला शमी को। शमी को लेके सर आप क्या मतलब क्या देखते हैं और टीम मैनेजमेंट के लोग क्या सोचते हैं? आपकी टीम ने फिक्स कर लिया, आप सहमत है टीम जो 15 टीम मैनेजमेंट ने फिक्स किया है ये? देखिए, हम जो कोचेज हैं, जो हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतने सालों से खेली है, जब एक खिलाड़ी बहुत प्रतिभावान है और जिसने पूर्व में इतनी परफॉर्मेंस करी हुई है, दुर्भाग्यवश वो हमारे साथ जसप्रीत बुमराह नहीं जुड़ रहे हैं, तो हमें ज्यादा उनके बारे में अब बात नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास लौट आ चुका है, जो हमारे पास इस समय करंट में खिलाड़ी हैं, जिस तरह से मोहम्मद शमी का इंक्लूजन हुआ है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है शमी। और अगर आपको याद हो कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए थे, हमारी नई टीम थी, यंग टीम थी, और ऑस्ट्रेलिया को हराया और किसी ने विराट कोहली का जिक्र नहीं किया। तो मेरा यहाँ पे सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हिंदुस्तान की जो टीम इस समय गई है, उसमें जो खिलाड़ी हैं उन पे फोकस करें, उनको उनको मैसेजेस करें, उनको मोटिवेट करें, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें। और शमी ने पूर्व में बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है। ये दुर्भाग्य था कि वो टीम के साथ नहीं जुड़े और उनकी ये किस्मत में था उनको खेलना, और मुझे उम्मीद है कि शमी अच्छे ब्रेक थ्रू देंगे और कहीं ना कहीं जब कभी भी उनसे बॉल कराई जाएगी वो एक यूजफुल बॉलर की तरह साबित होंगे। और शमी की एक बहुत अच्छी बात है, शमी का बॉल ऑफ द पिच जो है बहुत क्विक आता है, वो लास्ट में जो एक हल्का सा जर्क देते हैं, एक पुश करते हैं अपने शोल्डर को, तो वो आप देखिए कहीं ना कहीं वो बैट्समैन को हिला देता है और उन असमंजस में खिलाड़ी पड़ जाता है। तो शमी एक बहुत बड़ा जो है अहम किरदार होंगे। सर बहुत सारे व्यूअर्स सवाल पूछ रहे थे कि हमने शमी को ही क्यों लिया टीम में, सिराज को भी ले सकते थे या फिर शार्दुल ठाकुर को ले सकते थे। सर आप कितना सहमत है इस चीज से, मतलब व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जहां तक कि हमारे पास ऑप्शंस हिंदुस्तान में अब इतने हैं, तो कहीं ना कहीं सिराज भी हैं, शार्दुल भी हैं, और शमी को इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, जब बंच में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर एक बात होती है कि इसको लेना चाहिए और वो भी बेटर था, वो यंग है, लेकिन यहाँ जब देश की बात होती है, जब वर्ल्ड कप जीतने की बात होती है, तो वहाँ अनुभव की जो बहुत जरूरत होती है। शमी का जो बैकग्राउंड है, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, उन्होंने बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी अपने कैरियर को बड़ा अच्छा रखा है और प्रूफ किया हुआ है। तो जो भी इस मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया, सेलेक्टर्स ने लिया है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने शमी को ही पिक किया है, क्योंकि तो वर्ल्ड कप जो है ये वर्ल्ड कप है, ये कोई ऐसी होम सीरीज नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट्स में खेलने वाले मैचेस नहीं है कि हमने उनको डाल दिया। ये सोच समझ के निर्णय लिया गया और
जितने भी क्रिकेट जगत के लोग, अगर आप उनसे ये राय लेंगे तो सब शमी को बैक करेंगे, और शमी को हमें बैक भी करना चाहिए। उसने पूर्व में बहुत सी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिए हैं, विकेट निकाली है उसने। सर एक बार टीम से रूबरू में आपको मैं करा देता हूं, जो अभी वर्ल्ड कप में 15 है सर। रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, विराट कोहली है, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव। अगर विकेट कीपर की बात करें तो ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, ऑल राउंडर की बात करें हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। गेंदबाजी में बात करेगा तो अर्शदीप सिंह, रविचंद्र अश्विन, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और मोहम्मद शमी। सर अगर बैटिंग की बात करें हम लोग तो टॉप हमारे रोहित, राहुल, विराट। सर क्या लगता है देखिए कि थोड़ा मतलब अगर बैटिंग की बात करें तो विराट का भी फॉर्म वापस आ चुका है एशिया कप से। सर रोहित तो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपने बल्लेबाजी पे, क्या लग रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर आ गया है? देखिए क्या होता है कि जब इस तरह से खिलाड़ी फेज में रहता है, आउट ऑफ फॉर्म होता है, कहीं ना थोड़े थोड़े रन बना रहा होता है और देश के लिए उसने परफॉर्म किया हुआ है, तो जब उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो कहीं ना कहीं मंथन करता है। और रोहित एक ऐसा मीडियम है, ऐसा माध्यम है जिनके पास क्रिकेट और जो एक्सपीरियंस है कूट कूट के भरा हुआ है। ये खिलाड़ी अगर पावर प्ले में खेले और थोड़ा सा यूटिलाइज करें, थोड़े से अपने स्टे को वहां पे अगर करें, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि नीचे किसी की भी इतनी बल्लेबाजी, जो हमारी डेथ बैटिंग है, वो ज्यादा हमें टच नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा वहां पे संयम, थोड़ा सा पेशेंस, टेम्परामेंट, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। फिर आप देखिए रोहित शर्मा बहुत अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, जैसे कि केएल राहुल के बारे में बोला, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, और लोअर ऑर्डर में हमारे पास जिस तरह से अक्षर पटेल हैं और डीके हैं, ऋषभ पंत है, तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमारे पास बैटिंग में बहुत अच्छा डेप्थ है। लेकिन आपको साथ साथ मैं ये बता दूं कि कभी भी कोई बड़ा मैच या बड़ा मुकाबला या कोई कप जीतना होता है तो आपको गेंदबाजी भी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो जी ये नहीं है कि हम सारे बल्लेबाज खिला दें और हम जो है बॉलिंग वाला पार्ट हम बिल्कुल उसको भूल जाएं। तो तालमेल बैठाना पड़ेगा, एक अच्छा बैलेंस साइड उतारनी पड़ेगी, 11 की एक अच्छी टीम उतारनी पड़ेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट। सर दीपक हुडा को भी T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है, क्या लगता है आपको, क्या क्या सोच के टीम मैनेजमेंट ने दीपक हुडा को शामिल किया है? क्या अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ये क्या लगता है सर आपको? देखिए 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 दीपक हुड्डा की जो क्वालिटी है, जिस तरह से अभी मैं सूर्य कुमार से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो बॉडी का जो लैंग्वेज है, जिस तरह से वो शॉट्स खेलने की उसकी प्रतिभा है, वो स्लॉग शॉट भी अच्छे मारता है, विकेट को यूज करता है, बैकफुट पे भी जाके भी कट और ऑफ द लेग्स भी अच्छा खेलता है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन टीम के साथ इतना समय बिता लिया है और कुछ मैचेस भी खेले हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा एसेट है। और सेलेक्टर्स ने ये दूर की एक सोच रखी, ऐसे खिलाड़ी को साथ में रखा और इन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी करी, अच्छे फील्डर हैं और कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी इनको यूज किया जा सकता है, तो एक एक एसेट है। दीपक हुड्डा इज ए फैंटास्टिक क्रिकेटर। सर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने एक बयान दिया कि हमें गेम का महत्व तो पता होता है लेकिन उसके बारे में हमेशा बात करके प्रेशर क्रिएट नहीं करते हम, उस पर बात करने का मतलब नहीं होता। आप कितना सहमत है रोहित शर्मा के बयान से? देखिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा इस तरह की जब कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, बातें होती हैं, तो खिलाड़ी को कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए वो एक कूल कस्टमर की तरह सभी खिलाड़ी को रखना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा चीजें अगर दिमाग में लेके चलते हैं तो हमारे खेल पे बहुत असर पड़ता है, तो उसको ब्लैंक मोड में रखें, जैसी सिचुएशन आ रही है वैसे उसको उसको लेके चलें। प्रीवियसली ऐसा हुआ था तो वैसा कर दिया था, ऐसा जिस तरह से बॉल आ रही है उस तरह से खेले और मेरिट पे खेले और चीजें देखिए अपने आप जो है रास्ते बनते जाएंगे। प्रेशर नहीं रखना है, रिलैक्स करना और एंजॉय करना है, दैट्स ऑल। सर आपके नजर में टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर कौन साबित होगा? क्योंकि रोहित शर्मा ने कल ये भी कहा कि हमारे नजर में, मेरे लिए सूर्य कुमार एक्स फैक्टर है टीम में जो T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, और मैंने उनको फ्री छोड़ा हुआ है कि खुले खुल के मारे शॉट को। क्या आपका क्या कहना है सर, आपके नजर में कौन होगा वो टीम इंडिया में एक्स फैक्टर? क्या आप सहमत है रोहित शर्मा की बातों से? देखिए सूर्य कुमार नो डाउट 360 डिग्री एंगल पे बैटिंग करते हैं। उन्होंने जिस तरह विराट कोहली आए थे तो लोगों ने कहा था कि इसका अंदाज तो बहुत ही अलग है और ये बातचीत भी करता रहता है, इसका कंसंट्रेशन कितना हार्ड होगा कि मतलब इतना
इसके अंदर से कितना ये डेडिकेटेड होगा कि बातचीत भी करता रहता है और खेलता भी है, लंबी इनिंग भी खेलता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन पे। सूर्य कुमार यादव के बारे में भी ये कहूंगा कि मैं बहुत वर्टिकल शॉट भी खेलता है, हॉरिजेंटल शॉट भी खेलता है, स्कूप शॉट भी खेलता है, और मतलब कह लीजिए रिवर स्वीप भी खेलता है, और जो भी शॉट्स खेलता है वो स्वीट पार्ट से खेलता है। तो इसका मतलब उसके पास कितना टाइम है, कितना उसने अभ्यास किया हुआ है। और ये इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं, इन खिलाड़ियों को सचमुच रोहित ने बिल्कुल सही कहा है कि उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, उसको दबाव नहीं डालना चाहिए कि आपको नहीं ऐसा खेलना है। उनको खुद मालूम है उस कंट्री के लिए खेल रहे हैं और पीछे परफॉर्म क्या हुआ है, और उसका बेस्ट लेने का यही एक तरीका होता है। जहां तक एक्सपेक्टर की बात है, इस समय हमारे पास रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल, ये ऐसी प्रतिभाएं T20 में वाइड बॉल से ये सारे अच्छा खेलते हैं, और सूर्य कुमार नीचे हैं। तो साथ साथ आपके पास DK भी है, तो कुल मिला के जो सूर्य कुमार यादव के लिए बोला जा रहा है, नो डाउट उन्होंने बहुत सही चॉइस रखी है, लेकिन ऊपर से भी पावर प्ले में अगर हमें इस तरह के जो बल्लेबाज जिन्होंने पूर्व में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, अब रोहित शर्मा का देखिए फ्रंट फुट पे पुल शॉट मार देते हैं, खिंचा जी हुआ बॉल बॉल होता है, डाउन टू ट्रैक लोग निकल के मारते हैं, वहीं से लंबा लीवरेज यूज कर लेते हैं। तो ये प्रतिभा है, ये अनुभव है, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी है। और ऐसा खिलाड़ी अगर रोहित शर्मा जैसा पावर प्ले में खेल गया, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जो है वर्ल्ड कप से दूर है, वर्ल्ड कप लेके ही आए। सर, जो पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें विराट कप्तान थे और इस बार रोहित कप्तान है, क्या फर्क नजर आ रहा है, क्या टीम बैलेंस में नजर आ रहा है आपको? देखिए इसमें मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ी सी गेंदबाजी में मैं कह सकता हूं थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम हल्के हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके पास लिमिटेड बैटिंग है और लिमिटेड बॉलिंग है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फील्डिंग है, अगर आपकी आप जबरदस्त फील्डिंग करते हैं, रनआउट कर देते हैं, हाफ चांसेस को कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो जो बात आप कह रहे हैं वो हमारी टीम और बेटर करेगी। अभी हमने क्या किया, कुछ लैपसेस भी किए फील्डिंग में, वो उस पर हमने होमवर्क किया होगा। तो यहाँ पे हम बॉलिंग को और अच्छी कर सकते हैं अपनी फील्डिंग से, अगर हमें हाफ चांसेस को हमने कन्वर्ट कर दिया हो, कुछ डायरेक्ट थ्रो हमने, वाइटल्स जो होते हैं हमेशा डायरेक्ट थ्रो ही मारने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो वहां से गेम चेंज हो सकता है। और इसका जरूर इन्होंने जो अभ्यास किया होगा, और हमें उम्मीद है कि आपको ये चेंजेस नजर आएंगे। रविंद्र जडेजा नहीं है, उनकी कमी जरूर चलेगी, लेकिन अब जो हमारे पास बंच है हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अक्षर पटेल हैं, बहुत अच्छे यूजफुल साबित हुए हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं और अच्छा उनका आर्म भी, अच्छा थ्रो भी है। दिस इज व्हाट वी हैव, ए गुड बंच, गुड टीम वी कैन से। सर एक सवाल ये भी आता है कि ऋषभ पंत, सर सबसे बड़ा मुद्दा ऋषभ पंत है यहाँ पे, सर ऋषभ पंत को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जब भी कोई बात होती है ऋषभ पंत का नाम हमेशा आता है, अच्छा खेलते हैं नो डाउट है, लेकिन आउट भी बहुत जल्दी होते हैं सबको पता है। तो सर क्या कुछ उनको अपने लिए चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये वैसे मैच तो है नहीं, ये सर ICC का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है सर ये, तो कुछ तो अपने अपने अंदर बैटिंग में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए जहाँ वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ये होम सीरीज नहीं है या बिल्कुल हम सब कॉन्टिनेंट पे नहीं खेल रहे हैं, विकेटें थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी, और ये हार्ड विकेटों पे जैसे सब कॉन्टिनेंट्स की विकेटें हैं वहाँ बहुत अच्छा खेलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी विकेटें डिफरेंट होंगी, थोड़ा सा इनको संयम रखना पड़ेगा। बहुत जल्दी क्या करते हैं कि अपने अपने जो बॉलमैन होता है उसका यूज करते हैं और ये मिड विकेट और उस पहले की तरफ बैट को घुमाते हैं, वहां थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैरिट पे खेलना पड़ेगा। शुरू में जहां की बॉल है उसको उधर खेलें, ऑफ साइड की बॉल ऑफ साइड पे खेलें, मिडिल स्टंप का बॉल सीधा खेलें और लेग स्टंप का बॉल लेग स्टंप पे खेलें। तो ये चीज क्वालिटी DK में है, दिनेश कार्तिक के पास ये प्रतिभा है। शुरू में जाके वो कहीं ना कहीं पेस और बाउंस को समझते हैं, पैर आगे पीछे करते हैं, तो थोड़ा सा इनको ये भी समझाया गया है कि ऋषभ पंत आप प्रतिभा से भरे हुए हैं, आप जाते हैं और जल्दी आउट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सेटबैक हो जाता है। तो थोड़ा सा वहां रुकिए, आपके पास शॉट्स बहुत हैं, और कहीं ना कहीं उनको भी समझाए, लेकिन मैं ऋषभ पंत से DK को ज्यादा रेट करूंगा टीम में 11 में खिलाने के, क्योंकि अनुभव और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की जहां बात होती है वर्ल्ड कप में खिलाने के लिए, वहां दिनेश कार्तिक का जो कह सकते हैं जो चॉइस मेरी तरफ से 100% है। सर कंडीशंस, सर आपको पता आपने बाहर भी खेला हुआ है, सर कंडीशंस कैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कंडीशंस क्या होगी? क्योंकि अभी भी आपने बताया ये होम सीरीज नहीं है किसी भी खिलाड़ी के लिए, तो कंडीशंस कितना मैटर करेगा ये भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में? देखिए कंडीशन सचमुच बहुत मैटर करेगा कि अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हर जगह, जैसे आपने वर्ल्ड कप में भी देखा
कि विकेटें बहुत हार्ड मिली, बहुत अच्छा बैट पे बॉल आ रहा था। एक जमाने में बॉल नहीं आता था फॉरेन की विकेटों में, मतलब बॉल पीछे रखा जाता था और बॉल स्विंग होता, डिविएशन होता था। और जहां तक कि ये व्हाइट वाली जो व्हाइट बॉल है, इसमें कहीं ना कहीं बैटिंग पैराडाइज विकेटें भी बनाई जाती हैं। और व्हाइट बॉल जो होता है, शुरू में 2-3 ओवर जो है बहुत क्विक, जैसे बाउंसर वगैरह ट्राई करते हैं तो बॉल बहुत बॉडी पे आता है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं बैटिंग ओरिएंटेड गेम है, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बॉलिंग की इतनी फेवरेबल विकेटें नहीं होंगी, हार्ड विकेटें होंगी जो है। हाँ, ये है कि हार्ड के साथ बॉल में पेस और बाउंस होगा, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए T20 के जो अभी इनको प्रैक्टिस मैचेस खिलाए जा रहे हैं, इससे इनको कहीं ना कहीं कंडीशन हो जाएंगे हमारे क्रिकेटर। तो विकेटें मुझे लगता है कि पैराडाइज मिलेंगी, आपको अच्छे स्कोर देखने को मिलेंगे और स्कोर चेज भी होंगे, व्हाट आई फील। सर अब थोड़ा बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच का। सर 23 तारीख को महामुकाबला होने वाला है। सर फैंस को जब भी लगता है कि या फैंस को या लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो खिलाड़ी होते हैं वो एग्रेसिव होते होंगे। सर आप एक खिलाड़ी खुद हैं, जब भी बात होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की हम कप्तान को देखते हैं। पृथ्वी शॉ भी जब विराट थे T20 वर्ल्ड कप में कप्तान, वो आराम से हंस के बात कर रहे थे। ये फैंस को बाहर के लोगों को लगता है कि नहीं राइवलरी मुकाबला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल रोहित शर्मा ने खुद ही बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबर आजम का वो बर्थडे मनाते हुए नजर आए, उनसे गले भी मिले, और उन्होंने ये बोला कि हम क्रिकेट की बातें नहीं करते हैं हम बात। मैंने बाबर से ये पूछा कि हाँ तुम्हारे पास कार कौन सी है या कौन सी कार लेने वाले हो, फिटनेस पे कितना ध्यान देते हो, कहाँ घूमते हो, हमारे में ये सब बातें होती है। मतलब कैसे देखते हैं आप, मतलब जो लोग सोचते हैं और जो एक क्रिकेटर सोचते हैं उनके नजर में। देखिए, समय के हिसाब से कुछ चीजें काफी चेंज हुई हैं। पहले के जमाने में अगर हम कहीं खेलने जाते थे तो या इस तरह की चीजें आपको नहीं सुनने को मिलती थी, वो बिल्कुल ऐसे जैसे कहीं ना कहीं राइवलरी वाली बात कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम एनिमी हैं, वो सारी चीजें होती थी, जो कि ड्रेसिंग रूम में अंदर भी होती थी और बाहर भी होती थी। लेकिन ये चीजें खत्म नहीं हुई हैं। ये ऊपरी तौर पे जरूर सबसे मिलना जुलना एक गेस्चर होता है और सबसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन जहां देश की बात होती है तो अंदर से सब तैयार बैठे होते हैं कि हमें पाकिस्तान से जीतना है। पाकिस्तान हमारा कहीं ना कहीं पुराना एक राइवल्स है हमारे। ये सब कॉन्टिनेंट में हमारी विकेटें एक जैसी होती हैं, कंडीशन एक जैसी होती है, हमारी बोलचाल एक जैसी है, और सबकी नजरें इंडिया पाकिस्तान के मैच पे लगी थी। तो ये अगर आप ये सोचे कि उससे बहुत मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो मैच में जब खेलते हैं तो वो बिल्कुल बहुत कांटे की टक्कर होती है, और कोई ऐसा नहीं है कि वो हल्के में, वहां पे जारी दोस्ती की बातें हो रही हैं। वहां जूसी फुल टॉस मिलेगी तो वो छक्का मारेगा, जी शॉर्ट पिच बॉल मिलेगी बिल्कुल अगर आपकी रेंज में, उसको भी छक्का मारेगा। ये नहीं कि उसको जो है कि हम उसको डिफेंस कर दें। इसी तरह से दोनों टीमों में ये अंदर से टसल होती है। अच्छा है, पहले क्या है, थोड़े से लड़ाई झगड़े इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में सामने दिखते थे, गुस्सा आता था लोगों को चेहरे पे दिखता था, लेकिन अब नहीं है। अब क्या होता है कि इतनी प्रोफेशनल लीग जो होती है, सब खिलाड़ी कहीं ना कहीं पूरे साल आपस में एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, वो थोड़ा सा एक फ्रेंडली एटमोसफियर होगा। लेकिन जहां देश की बात होती है, देश के लिए खेलना गौरव की बात है, देश के लिए कप लाना, देश के लिए परफॉर्म करना और 11 में जगह बना के और परफॉर्म करके कंट्रीब्यूट करना, वो एक खिलाड़ी के लिए सम्मान की बात होती है। तो उस सम्मान को बनाने के लिए हिंदुस्तान की पूरी जनता इस मैच को देखती है, तो वो वहां पे भाईबंदी नहीं चलती है, वहां तो टक्कर जी अब चलती है, वहां पे तो खुन्नस में खेला जाता है मैच। जी हाँ, चेहरे पे अगर आप देखेंगे तो चेहरे चेहरे पे प्रेशर दोनों के दिखता है। जब आप मैच चल रहा होता है तो वो चेहरा यू कैन सी कि कितना इस टेंस माहौल होता है, कितना प्रेशर होता है, वो सब चीजें। हाँ, थोड़ी देर 15-20 बॉलें खेलने के बाद 20-25 सीजन बन जाते हैं तो चीजें थोड़ा इजी डाउन हो जाती है। लेकिन इनिशियली देखो, इस पाकिस्तान के प्लेयर भी प्रेशर में दिखते हैं, इंडिया के प्लेयर भी दिखते हैं, तो कैसे काउंटर करते हैं, ये एक्सपीरियंस काउंट करता है, मैटर करता है। तो बस सर हम भी यही चाहते हैं और देश भी चाहता है कि भारत बस पाकिस्तान से नहीं हर एक टीम से जीते जिसका उसका मैच है, और T20 वर्ल्ड कप इस बार भारत में लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, फिलहाल के लिए इतना ही सर। थैंक यू।